आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने नवरात्रि व दशहरे पर्व को लेकर मोहन नगर थाने में शांति समिति की बैठक बुलाई और चर्चा की। दुर्ग शहर में आने वाले त्योहार को देखते हुए नवरात्रि पर्व व दशहरे की तैयारी को लेकर दुर्ग मोहन नगर थाने के अंतर्गत आने वाली शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसके अंतर्गत मोहन नगर में जितनी समितियां आती है उनसे चर्चा की गई। दुर्ग पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार इन समितियों की बैठक में माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन से अवगत कराया गया, जिसमें इन्हें ध्वनि विस्तारक यंत्र की तीव्रता के साथ ही धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तार के यंत्र के उपयोग की अनुमति उच्च न्यायालय से लेने की जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में यातायात की सुचारू रूप से व्यवस्था करें ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की नुकसान ना हो, साथ ही अप्रिय घटना ना हो। इस संबंध में थाना प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। आज थाना मोहन नगर में जो वर्तमान में जो आने वाली नवरात्र का पर्व है और साथ ही दशहरे का पर्व है, उस संबंध में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुई है उसी को शांति समिति की बैठक लेकर थाना क्षेत्र अंतर्गत जितनी भी समितियाँ हैं उनकी बैठक आहूत की गई थी। उस संबंध में जो नवरात्र का आयोजन है उसमें जो ध्वनि विस्तार के यंत्रों का जो उपयोग होता है, उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का जो गाइडलाइन है उस संबंध में उनसे अवगत कराया गया ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर। साथ ही जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है धार्मिक कार्यक्रम, उसमें भी ध्वनि विस्तार यंत्रों का जो प्रयोग है उस संबंध में माननीय जो न्यायालय है जेएम न्यायालय वगैरह वहाँ से अनुमति प्राप्त करने हेतु हिदायत दिया गया है। साथ ही जो और अन्य कार्यक्रम आयोजित की जाती है उसमें यातायात व्यवस्था को का संचालन है सुचारू रूप से रखने उन्हें अवगत कराया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।